चलिए दोस्तों, अभी सभी लोग मस्त करके रेडी हो चुके हैं। पापा जी दोस्तों, राधे राधे, खुश रहो, मस्त रहो, आवाज चल रहा। हाँ, लोग देखना हो, सब लोग मिला देखना हो। ये दोस्तों, अभी अपने नए वाले इंटर कॉलेज में पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे जबरदस्त वाला मगरबियों का आयोजन किया जा रहा है। आपने तिलवाड़ा में सुबह सुबह इतनी जबरदस्त वाली ठंड हो रही है कि मुंह से पूरा भाप आ रहा है भाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है अमित नेगी, मेरे गांव का नाम है तला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बाकी मम्मी भी रेडी, सभी लोगों को राधे राधे। बाकी मम्मी भी रेडी हो चुकी है, कहाँ के लिए? गौशाला। गौशाला से पानी लेने जा रही हूँ। आजकल ठंडा बहुत जबरदस्त हो रहा है, सिर्फ सुबह सुबह हो रहा है, बस देर से आते हमारे यहाँ पे धूप, और दिन के समय होता है हमारे यहाँ पे भयंकर गर्म। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और धूप का आगमन बस होने ही वाला है। हमारे घर पे 7:30-8 बजे तक धूप आती है और सबसे लास्ट 5:30 बजे तक रहती है। सो डेली तो मेरा काम रहता है झाड़ू लगाने का सभी घर का, और आज मम्मी लगा रही हैं, वो भी स्पेशल मैं कहीं जा रहा हूँ। तो आप लोग बोलोगे इतनी सुबह सुबह रेडी होके कहाँ जा रहा है, तो आज काफी खुशखबरी है, छोटा भाई आ रहा है घर। मैंने उसको बोला था भाई मेले में आ जा, यही दिन होते हैं मस्त घूमने फिरने के। आज सुमित आ रहा है घर और अमित जा रहा है सुमित लेने, और बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जॉब तो लाइफ टाइम चलती रहती है और साल में एक दो बार ही मेला आता है या ऐसा त्यौहार आता है जिसमें सभी लोग साथ रहते हैं। तो मैं अभी उसको लेने के लिए तिलवाड़ा जा रहा हूँ। तिलवाड़ा पहुँच गया छोटा भाई। इधर है छोटे भाई रिंकू का घर, घर पे ही होगा। तो अरे देख लिया रिंकू, सुबह सुबह मिल गया, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का बढ़िया स्वागत कर दिया रिंकू भाई ने। पापा तो घर आ गए हैं, सुमित ने कहा यार मेरा मन नहीं लग रहा होगा तो मैं भी घर चले जाता हूँ। हमने कहा आजा यार, चलते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। बाकी यार सब कुछ तो ठीक है, पर ग्लव्स लाना भूल गया और बाइक बहुत फिसल रही है भाई ऐसे में। बाय, हरिद्वार जा रहे सीधे? हरिद्वार, अच्छा बाय है। आजकल चल रहा है दोस्तों सड़क का काम, तो इस वजह से रास्ते में फंस गया हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। चलिए दोस्तों, इस साइड भी रोड़े बिछने लग गए हैं। रोड़े ही बोलते हैं इनको, हमारे यहाँ रूढ़ी बोलते हैं पहाड़ी भाषा में। चलिए गाइस, अभी अपने दोस्त की शॉप पे पहुंच चुका हूँ। हेलो मिस्टर, गुड मॉर्निंग। और सामने रहा मेरा छोटा भाई अमित, भी आज आ गया है। प्रणाम, ठीक है? कैसा है, कैसा हो रहा? तब शर्मा रहा है, घर पे जाके बात करेंगे। बल बाकी दोस्तों, तिलवाड़ा में सुबह सुबह इतनी जबरदस्त वाली ठंड हो रही है कि मुंह से पूरा भाप आ रहा है बाहर है। हमारा भाई आ गया घर आज। हमारा भाई भी धीरे धीरे बल्किंग करने लग गया है, सॉरी पतला होने लग गया है। हाँ। जिम जाके, आजकल डेली जिम हो रही है भाई की सुबह सुबह। और कैसा हुआ आज आना अचानक? घर में मेला वगैरह लगा था इसको, थोड़ा मैंने मन किया घर आ जाऊं। मेला मूला देख के बहुत याद आ रही थी, आप भी इन्वाइट हो। 10 बार बोल दिया मैंने लेकिन टाइम नहीं मिलता है। भाई की 2-2 शॉप है यहाँ पे। भाई असली बिजनेस मैन है तिलवाड़ा के, 3-4 दुकानें खोल दी इन्होंने। चलो चाय पिलाओ, चलो। ये मेरा दोस्त बहुत मेहनत करता है यार, सुबह इस ठंड में आ गया है शॉप पे विदाउट ग्लव्स, विदाउट जूते। जय श्री केदार। जूते भी नहीं है? वाह जी, आप जूते पहनेंगे ना, एक बार खुद जाएंगे यार। अभी दोस्तों जब इतनी दूर आए हुए हैं तो सब्जी भी रख लेते हैं जल्दी से, बैग छोटा हो गया। जैसे तैसे पहुंच गए हैं। आते टाइम तो बहुत भारी अजीब सा फील हो रहा था क्योंकि पूरे पत्थर में बुआई कैसे हो रही थी कि क्या बताएं। और लंबू कैसा लग रहा है यहाँ गांव में आके? राधे राधे दोस्तों, बढ़िया लग रहा है। वैसे तो दिल्ली में धूप देखने को भी नहीं मिल रही, यहाँ इतनी सारी धूप है, सारी में सिर्फ कोहरा कोहरा छा रखा है बस। दिल्ली वालों का मन कर रहा होगा घर आने को, सबका मन कर रहा है। आजकल गांव में काम चल रहा है तो जो गांव में रहने वाले लोग बाहर भी रहते हैं ना, वो सभी खुश हैं क्योंकि अपने गांव में कुछ भी तरक्की होती है। पकड़ पकड़ पकड़, काट 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 काट, मत कर, काट सकता है। ये पहुंच गई, ये साक्षी तो उठी भी नहीं ढंग से है। ये मेरे भाई, हे बाबा, ये भाई अभी परसों ही तो गया था ये, अभी एकदम ऐसे मोटा होगा 1-2 महीने में, पतला भी हुआ ये बोलो। खुद लगी घोरे की, घर की याद आ गई, क्या करें, कभी कभी आना भी चाहिए। सभी मेहमानों ने खाना भी खा लिया, आप जाएंगे मकर व्यू देखने के लिए। समधी समधी भी आ रखे हैं। पापा जी बहुत शरीफ लग रहे हैं आज, चुपचाप है।
पहाड़ों में जब भी मेहमान घर में आते हैं तो ऐसे ही स्वागत किया जाता है और विदाई के टाइम पे भी पिठाई लगती है। अरे वो पिठाई तो लेनी है, ये वो शगुन का लिफाफा है वो, तो अब नाराज हो रहे हो आप। हाँ, जय माँ दी। तो गाइज अभी हम दोनों भाई रेडी हो चुके हैं और सुमित मेरे लिए लाया ये स्वेटर, अपने लिए भी सेम लाया है लेकिन कलर अलग अलग है दोनों का। मेरे पे ऊपर ऊपर व्हाइट अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कैसी लग रही है। बाकी मैं सुमित के लिए परसों ये जैकेट लाया था, इसको ये छपरी वाली जैकेट लाया, इसको ये पसंद ही नहीं आ रही है बल। ये छपरी वाली जैकेट है, देखो छपरी है बल, ये छपरी है। दोस्तों कैसे हो, राधे राधे। जागी टाइटन की लड़ाई हो रही है, मैं कैसे लग रहा हूँ, खतरनाक की लग रहा हूँ कि नहीं? दोनों भाई साथ में हो गए, लड़ाई कर रहे हैं। छोड़ दो जरा जैकी को, जैकी भयंकर कटार बन रहा है, ये तो टाइटन की वाट लगा रहा है। टाइटन काटो, टाइटन डरो नहीं। चलिए दोस्तों अभी सभी लोग मस्त करके रेडी हो चुके हैं, मैं सुमित मम्मी पापा जी आज घर पे ही रहेंगे। पापा जी दोस्तों राधे राधे, खुश रहो, मस्त रहो, आवाज चल रहा। हाँ सब लोग देखना आओ, सब लोग मेला देखना आओ, अब आओ, लास्ट दिन है अब तो। हाँ कोई दिक्कत, अब कल ही हम पहुंचे हैं मेला देखने के चक्कर में, तो दूर से आए हैं। हाँ स्ट्राइक के चक्कर में सब लोग देख रहे हैं, मेला देखने के लिए जा रहे हैं। मैंने चलो मैं फिलहाल गाय भैंस घर में देखता हूँ, उनका देखभाल करता हूँ एक दो घंटे के लिए। बाकी साक्षी भी घर में रहेगी, साक्षी के चल रहे हैं, साक्षी के 9 तारीख को पेपर हैं तो साक्षी पेपर की तैयारी करेगी। और साक्षी दो सब मेला वहाँ हो रहा मकरव्यू, आज मकरव्यू दिखाएंगे आपको। दोस्तों ये वाली टोपी तो मैं पहन के जा रहा हूँ, बाकी कैसा लग रहा हूँ कमेंट में जरूर बताना, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी ने मैं भी कैसा लग रहा हूँ बताना। ये देखो ये तो बिल्कुल लंबे बाल छोड़ के एकदम हीरो बना पड़ा है, मम्मी ने भी मस्त परांजा पहन रखा है पहाड़ी। अभी काफी सारी भीड़ आ रही है भाई ऊपर मेला देखने के लिए। चलिए दोस्तों अभी अपने नए वाले इंटर कॉलेज में पहुंच चुका हूं और यहां पे जबरदस्त वाला मकर व्यू का आयोजन किया जा रहा है। आपने कमल व्यू और चक्र व्यू तो बहुत देखे होंगे लेकिन मकर व्यू कभी नहीं देखा होगा, तो आज पहली बार मकर व्यू देखने को भी मिलेगा आपको। और इतनी ज्यादा भीड़ मैंने आज तक कभी नहीं देखी। आज तक जहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे वो वाला फील्ड तो दूसरा था, लेकिन ये वाला फील्ड दूसरा है। ये विधायक साहब भी आ चुके हैं और ये वही स्कूल है दोस्तों जहाँ से मैंने 12th पास किया था। यहाँ पे मुझे मेरा भाई मिल गया है, द वैली राइडर भाई, इसके चैनल का नाम है द वैली राइडर। तो ये मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, मतलब बाइक वाइक वाली, तो आप इनके चैनल को जरूर देखें, काफी अच्छी वीडियो बनाते हैं। भाई का बहुत बड़ा फैन हूं यार। हाँ। तो मेरा खास दोस्त और परम मित्र आ चुका है हमारे गाँव में, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था और जॉब में से आधे में से छुट्टी ली। मैंने कहा भाई आजा भाई, देव भूमि है तो देवों के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो ऐसे माहौल में और ऐसे मामले में आना जरूर चाहिए। तो बहुत बहुत आज अमित भाई के गांव की रौनक किस प्रकार से यहां मेला हो रहा, मैं यहां पहली बार आ रहा भाई तेलावाड़। अब ड्रोन उड़ाते हैं, लोकेश भाई ने तो ड्रोन ले लिया, आपको ड्रोन शॉट देखने को मिलेंगे। चलिए तो नया नया ड्रोन है और हमारे गाँव में इसकी ओपनिंग हो रही है क्योंकि कल ही SD कार्ड लिया है इसने। गाइस पहाड़ों में पिछले 2-4 सालों में ही ड्रोन आया है तो इसलिए यहाँ पे बहुत भीड़ लग जाती है। प्लेन्स में तो ये चीजें नॉर्मल है, प्लेन्स में तो ये चीजें नॉर्मल है, बट यहाँ पे ड्रोन को ऐसा माना जाता है जैसे एलियन हो। काफी सारे दर्शक आ रखे हैं हमारे मकर व्यू का एंजॉय करने, बधाई हो आपको, स्वागत है हमारे गांव में। यहां पे बसुकेदार से भी हमें सब्सक्राइबर मिले हैं, ये आ रखी है अपनी नानी जी के यहां और ये आ रखी है उतुरसु से हमारी शावी। अभी मैं अपने स्कूल की सबसे टॉप वाली छत में आ गया और मेरे बैकग्राउंड से आप व्यू देखो कितना जबरदस्त दिखाई दे रहा है। और यह है मकर व्यू, तो मकर व्यू बिल्कुल अलग और स्पेशल होता है, इसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो भी अलग होते हैं। और भाई क्या ही जबरदस्त लग रहा है, कितनी ज्यादा भीड़ हो रखी है और जो मकर व्यू का डिजाइन है वो बिल्कुल अलग आपको दिखाई दे रहा होगा। ये
ये भीड़ यहाँ के साथ साथ इस साइड भी बहुत जबरदस्त लगी हुई है। आज सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है वो हमारे नए वाले स्कूल में हो रहा है और ये CBSE बोर्ड बन चुका है, पूरा 6 से लेकर 12 तक इंग्लिश मीडियम। पर छोड़ी गया सतजुग के अभी दोस्तों काफी ज्यादा भूख लग गई थी तो लोकेश भाई हमें चाउमीन खिला रहे हैं। ऐसी कचर बचर मैंने तो कुछ नहीं खाया, बात यहाँ है नहीं, चाउमीन में काम चल रहा है। मैंने बोला था घर आ जा, 3 बजे पहुंच रहा है यहाँ, क्या करें मैं रास्ता भटक गया था। देखो यार भीड़ देखो भाई काफी ज्यादा है, जबरदस्त क्या ही बोलना, 5-10 हजार तो आज भी आए होंगे। अभी ताई जी भी आ चुके हैं हमारे साथ धारकोट से, तो काफी सारे लोग, कैसा लगा यहाँ मजा? सभी लोगों को राधे राधे। और हमारे गांव में था मकर बिहू, बहुत अच्छा लगा मकर बिहू, पहली बार देखा मैंने मकर बिहू, और बाहर की टीम आ रखी थी, इतना अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा। और सभी लोगों को बुला रखा था मैंने, कोई आए ही नहीं, इस लोग कैसे आया है अभी अभी आया है। और सभी लोग अगली बार मकर बिहू होगा तो जरूर आना और मेले में जरूर आना। यहाँ पे हमें पड़ोस गांव से भाई लोग मिले हैं धारकोट गांव से, जो कि हमारी वीडियोस बहुत देखते हैं। दोस्तों लास्ट दिन तो बहुत सारी गांव की महिलाएं काफी सारी शॉपिंग कर रही हैं, जो भी घर के लिए भांडे बर्तन होते हैं, और मेला लगता ही इसीलिए है ताकि अपनी जरूरत पूरी हो सके और सामान भी सस्ता सस्ता मिल सके। अंकित भाई फिर आज हमारे साथ है घूमने के लिए, भाई चला जाएगा अब अगस्त मुनि पढ़ाई के लिए, भाई से विदा लेते हैं। ठीक है तब बाय बाय। तो आज बहुत समय बाद मौका मिला चरखी में बैठने का, इससे पहले अगस्त मुनि मेले में ही बैठा था, तो ये बैठा है मुझे साहिल भाई ने, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है दोस्तों। अभी जो ड्रोन शॉट लिए थे उनको मैं अपने फोन में लेना चाह रहा हूँ। अभी देखो भाई मेले का आखिरी दिन था तो सभी दुकानें उठने लग गई और सभी लोग आज अपने घर चले जाएंगे। गाइस अभी ऐसा है ना, जो चीज पहले दिन 500 की रही होगी ना वो आज 200-200 रुपए में निकल ली है। बहुत सी चीजों में बहुत सारा डिस्काउंट है और कोई कोई बिल्कुल भी डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। अब किसी का सामान महंगा होगा तो वो बात अलग है, बाकी खाने पीने की चीजों में भी काफी डिस्काउंट है और गेम्स में सबसे ज्यादा है। जहाँ 10 के 2 फेंकने के दे रहे थे आज वो 10 के 5 दे रहे हैं फेंकने के लिए। अब जो भी यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं सारे लोकल के ही है, तेला गांव के और वार्ड गांव के, तो सभी लोग शॉपिंग करने पे लगे पड़े हैं। बहुत बढ़िया लगा। ये हमारे गांव की छोटी बहने हैं, गाइस मेले में जो सबसे ज्यादा सामान बिका है वो है ये चीज और घर की चीजें। सो मुझे मिले हैं विकास भट्ट भैया जी, जो कि पौड़ी से हैं और ब्लॉग भी बनाते हैं। भैया के चैनल का नाम है विकास भट्ट और आज हमारे गांव के मेले में आए हैं, इनका ससुराल है यहां। तो कैसा लग रहा है आपको यहां? बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आया। साथ में है दीदी जी, बहुत बहुत वेलकम है दीदी का। ये दीदी का गाँव यही है, बाकी लड़के भी हैं। लव मैरिज थी अरेंज? अच्छा अरेंज थी, पर काफ़ी दूर की भाई, पौड़ी से लेकर रुद्रप्रयाग 100-200 किलोमीटर। दीदी है। अच्छा दीदी का भी अलग चैनल है नीलम भट्ट नाम से, आप लोग जरूर देखें और सपोर्ट जरूर करें। अभी फौजी भैया नागेंद्र भैया भी मिले हैं, आखिरी दिन आज घर आ गए हैं छुट्टी से, बहुत बहुत वेलकम है आप। इस यहाँ पे गौचर से भी हमारी वीडियोस देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये है गौचर से कौन है? अच्छा ये चोपड़ा से है, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम के 5:30 बज चुके हैं और लोकेश भाई और भाई भी जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। काफी मजा आया मेले में, इसको बोला था मैंने हमारे यहाँ रुक मना कर रहा है, अगर नहीं जा पाया मैं, जब फ्री होऊंगा तब पक्का आऊंगा। कल सुबह शॉप भी खोलनी है और माँ जी को मेरा प्रणाम बोल देना। ओके नाराज हो तो ना, घर नहीं आ पाया कोई बात नहीं। अगली वैसे तो डेली मैं 5 बजे चला जाता था घर, लेकिन आज सुमित है, मैंने कहा आज आखिरी दिन है जितना हो सके मेला घूम ले। इसको फॉलो जरूर करना, ये बीच में कहीं से भी आ जाती है। क्या नाम है आईडी का? मान बोले, अरे भूल गया मैं, इसका नाम क्या जल्दी बोल दो। अरे यार ये भैया मैं तो खाली सुई का नारो नन। अरे आईडी बोल जल्दी,
मेघा पवार। आज मेघा ने बहुत सारी शॉपिंग की है, दिखाओ। वाह जी वाह, बहुत सारी शॉपिंग की, जलेबी की है। मस्त तो जलेबी में ही है मजा। अब देखो भाई, जिस जिसकी दुकानें पैक हो चुकी हैं वो कुछ ऐसा भर भर के सामान ले जा रहे हैं। भाई साहब बाय बाय, सपना सपना घर जा रहे हैं। अब एक महीने बाद सपना की भाई की शादी है। बाय, ओके यस। रिंकू ले, अभी रात हो चुकी है और मैं यहीं हूँ। मैंने कहा थोड़ा बहुत और रात होने दो, उसके बाद और डिस्काउंट लगेगा। इन भाई, ये भाई 100-100 वाली चीज़ आप 20-20 रुपए में ले रहे हैं। अभी दोस्तों मेला ख़त्म हो गया, मन कर रहा है कि रात का मेला होता तो बढ़िया था। सुमित बेचारा खाली एक ही दिन के लिए आया घर है। मज़ा आ रहा है, ठंड लग रही होगी, ठंडा भी बहुत है, कभी ठंडा हो रहा है फिलहाल यहाँ। सुमित मोटा हुआ ही नहीं भाई, कभी खाता ही नहीं है कुछ भी, दो रोटी से ज़्यादा तीन खाएगा ही नहीं। अभी दोस्तों काफ़ी समय हो गया तो हम भी घर चलते हैं जल्दी से, पूरी रात यहीं हो गई हमें। रिंकू, और रिंकू, ये रिंकू की तरह भौंकने लग गया भाई। बोलो सनी का हेलो से गुड बाय। मैं सोचा ये रिंकू है। रिंकू सोच रहे हैं कहाँ चले गए, वो उठा के तो नहीं ले गए इनको जो दुकान पर। हाँ हाँ, दुकान वाला हमें को ले जाते हैं। इतने देर में रहते क्या करें, फिर अंधेरा हो रखा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय देव उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, बाय।